बॉर्डर पर तनाव के बीच भारत अपने पड़ोसी देश चीन को दीपावली पर एक और झटका देने की कोशिश कर रहा है। चाइनीज दियों का मार्केट भारत में बहुत प्रचलन में है, इसीलिए उसे ध्वस्त करने की पुरजोर कोशिश चल रही है। नमस्कार, मैं हूं हर्षवर्धन और आप देख रहे हैं न्यूज एनसीआर। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग इस नवंबर के महीने में 33 करोड़ पर्यावरण अनुकूल दियों का उत्पादन करेगा ताकि चाइनीज प्रोडक्ट्स का डटकर सामना हो सके। तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने गाय के गोबर से एक रेडिएशन फ्री चिप बनाई है जिसके अंदर रेडिएशन बहुत कम है। कामधेनु आयोग ने बताया 35 से अधिक राज्य इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए सहमत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 3 लाख पवित्र शहर अयोध्या में दिए जलाए जाएंगे जबकि वाराणसी में 1 लाख दिए जलाए जाने हैं। उन्होंने कहा कि दियों का निर्माण शुरू हो गया है, हम दीपावली से पहले 33 करोड़ दियों के प्रोडक्शन का टारगेट लेकर चल रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन दियों को पूरा इस्तेमाल करने के बाद अगर इन्हें हम पौधों में मिलाएं तो एक खाद के रूप में भी प्रयोग किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष वल्लभ भाई कथीरिया का मानना है कि प्लास्टिक के और चीन के दिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए उन्होंने गाय के गोबर से दिए बनाने का निर्णय लिया। उनका मानना है कि ये मुहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया की अवधारणा को बढ़ावा देगी। साल 2019 में देसी गाय के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का गठन किया गया था, अब इस बार वो गाय के गोबर से अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रही है। कामधेनु आयोग ने बताया कि भारत में प्रतिदिन लगभग 192 करोड़ किलो गोबर का उत्पादन होता है। उन्होंने कहा कि गोबर आधारित उत्पादों में बड़ी संभावनाएं हैं। दिए के अलावा आयोग गोबर मूत्र और दूध से बने अन्य उत्पादों जैसे कि एंटी रेडिएशन चिप, पेपर वेट, भगवान गणेश और लक्ष्मी की प्रतिमाएं, अगरबत्ती, मोमबत्तियां और अन्य चीज़ों के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि गौशालाओं को मदद मिलेगी जो वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण वित्तीय मुसीबत का सामना कर रही थी। भारत में रोजगार के अवसर पैदा करने के अलावा आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद लोगों को इससे मिलेगी। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की तर्ज पर अब फरीदाबाद की एक महिला भी गाय के गोबर से दिए बना रही है। उन्होंने एक महिलाओं के एनजीओ एवं गौशालाओं से गठबंधन कर रखा है जो गाय के गोबर से दिए बनाती हैं। इससे वो महिलाओं को रोजगार देकर आत्मनिर्भर भी बना रही हैं। हम आशा करते हैं कि सभी दर्शक इको फ्रेंडली दीपावली मनाएं और आप सभी के जीवन में समृद्धि और खुशहाली आए। तब तक के लिए देखते रहें न्यूज एनसीआर।